जय हिंद वंदे मातरम। आज की वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है और सब्जेक्ट है मिलिट्री स्टडीज या रक्षा स्ट्रैटेजिक हिंदी वर्जन सैन्य अध्ययन। पेपर है सेकंड सैन्य मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है पेपर। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है सैन्य मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, अर्थात सैन्य मनोविज्ञान क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सैन्य माने सेना या सैनिक, और मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, यानी कि उसमें मानव के समस्त मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने सैन्य मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा हम लोग यहाँ पर पढ़कर देखते हैं। तो सबसे पहले वुडवर्थ कहते हैं कि अपने वातावरण के अंदर मानवीय क्रियाओं के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि अपने वातावरण, यानी कि जो हमारा वातावरण है, हमारा परिवेश है, उसके अंदर मानवीय क्रियाएं जो भी होती हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारा वातावरण है, उसके अंदर जो भी मानव क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं हैं, उसका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। और एक दूसरे मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव प्रवृत्ति का अध्ययन है, अर्थात मानव के नैतिक सामाजिक जो भी कृत्य हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अंतर्गत। इन मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, इन मनोवैज्ञानिक का नाम है बोरिंग महोदय ने बताया कि मनोविज्ञान मानव प्रवृत्ति का अध्ययन है। उर्वर्ष ने कहा अपने वातावरण के अंदर मानवीय क्रियाओं के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। तो बोरिंग ने एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, इसमें मानव की स्मृतियां, भावनाएं, चिंतन, कार्य करने तथा सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सीखने का और जो भी मतलब प्रत्यक्षीकरण है सबका क्या होता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है मनोविज्ञान के महत्व की। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मनोविज्ञान या मनोरूप से तैयार ना होने की वजह से प्रथम विश्व युद्ध में कुछ सैनिक युद्ध छोड़कर भागे और उनको वापस बुलाने के लिए तमाम सारी क्रियाएं की गईं, तो ऐसी स्थिति ही ना उत्पन्न हो, इसलिए सैन्य मनोविज्ञान में इसका महत्व, सैन्य मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा है, सेना में मनोविज्ञान का। क्योंकि आधुनिक युग जो है वो सैनिक युद्ध है, युद्ध नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संसाधनों से युद्ध लड़े जाते हैं। सेना में विजय अथवा पराजय किसी तत्व की अपेक्षा मानवीय तत्व पर निर्भर होता है और उन मानवीय तत्वों को किस प्रकार से सुनियोजित किया जाता है और कैसे उसका संचालन किया जाता है। जब उस व्यक्ति का मनोदशा सही होगी, मनोवृत्तियां सही होंगी, तो वो सही कार्य कर पाएगा। सेना के संगठन की कार्यकुशलता मनुष्यों का व्यक्तिगत क्षमता और कार्यकुशलता के द्वारा प्रभावित होती है। जो सेना के संचालन है उसकी कार्यकुशलता जो है वो उसकी, जो भी सैनिक है उसकी व्यक्तिगत क्षमता और कार्यकुशलता प्रभावित करती है युद्ध को, और इस युद्ध में सफलता भी जो उनके मानवीय गुण हैं उन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है। तो यदि मानवीय गुण उनमें विद्यमान हैं तो किसी भी युद्ध को जीतना कठिन नहीं होगा। तो आजकल यंत्रों के संचालन में भी उस गत्यात्मकता का होना आवश्यक है, उस तत्परता का होना आवश्यक है। ये तब संभव है जब मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के अंतर्गत निहित उसके मनोभावों को जाना जाए, समझा जाए और देखा जाए। इस प्रकार से मनोविज्ञान का जो महत्व है सेना में बहुत ही कारगर है। यदि मनोविज्ञान या मनोवृत्तियाँ व्यक्ति की मानव प्रवृत्तियाँ सही नहीं होंगी तो वो किसी भी युद्ध के संचालन में सही से उस पर खरा नहीं उतर पाएगा।
तो मनोविज्ञान जो है वो सेना में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, सेना का मनोविज्ञान। यद्यपि कोई भी युद्ध बिना अस्त्र शस्त्रों के नहीं लड़ा जा सकता है, किंतु सर्वथा ये भी सत्य है कि कोई भी युद्ध को लड़ने के लिए उसमें मनोविज्ञान या मनोवृत्तियों का होना भी बहुत ही आवश्यक है। उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसको सुसज्जित करने की आवश्यकता है। इसलिए जो है युद्ध में जिस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, उसी तरह से युद्ध में मनोविज्ञान की भी आवश्यकता है। सेना में देखा जाए तो अस्त्र शस्त्र कितने भी अत्याधुनिक क्यों ना हो, किंतु उसके संचालन के लिए मानवीय क्रियाओं का किया जाना या मानवीय क्रियाओं का होना आवश्यक है। तो इन सब के लिए जरूरत पड़ेगी कूटनीतिक कमान की, नेतृत्व की, साहस की, अनुशासन की और संगठन में कार्य करने की क्षमता की, नैतिकता की। तो ये सब क्रियाएं जिन सम्मिलित किस्में होंगी किसी मानवीय व्यक्ति, मानवीय गुणों से परिपूर्ण किसी व्यक्ति में ही होगी। उस व्यक्ति के द्वारा ही उस युद्ध का संचालन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जितना आवश्यक ये अस्त्र शस्त्र हैं, उतना ही आवश्यक उनको चलाने के लिए योग्य व्यक्ति का होना भी है। उस योग्य व्यक्ति के चयन में ये सैन्य मनोविज्ञान ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसका उपयोग क्या है, सैन्य मनोविज्ञान का जो उपयोग है उसको पर लिख लेते हैं बोर्ड पे। अब सैन्य मनोविज्ञान के उपयोग क्या है इसको समझना भी जरूरी है। आज तो समझ लिया गया, महत्व समझ लिया गया, अब जरूरत है सैन्य मनोविज्ञान के उपयोग को समझने की। वैयक्तिक समायोजन अर्थात व्यक्ति किसी के अंडर में कार्य करता है, किसी से कार्य कराता है, तो उसको वैयक्तिक समायोजन व्यक्ति में होना भी आवश्यक है। इसलिए सैन्य मनोविज्ञान का होना जरूरी है। सैन्य मनोविज्ञान में वैयक्तिक समायोजन सैनिक के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा है चुनाव, तीसरा है प्रशिक्षण। सैन्य मनोविज्ञान में प्रशिक्षण भी आवश्यकता है। किसी कार्य के निष्पादन के लिए भी सैन्य मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। किसी गतिविधि का अवलोकन करने में भी कि सेना क्या चाह रही है सामने की, हमारी सेना कहाँ तक उसके लिए तैयार है, उसकी क्या आगे की गतिविधि है, क्या करने वाला है और हमें क्या उसके लिए की तैयारी करनी है, इन सब चीजों के लिए भी जरूरी है अवलोकन। यानी कि मनोविज्ञान में और मनोविज्ञान के द्वारा ही ये संभव है। प्रचार प्रसार का भी निर्धारण करना है कि किन गतिविधियों को कितना हमें किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मत और प्रचार करना है, उसका निर्धारण करने के लिए भी कहीं कहीं मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं हम गलत प्रचार प्रसार के द्वारा अपने ही लिए ही कोई जटिलता ना उत्पन्न कर ले। और सामाजिक संबंधों का होना भी किसी सेना में बहुत आवश्यक है। यदि परस्पर उस जनता का, वहाँ की क्षेत्रीय जनता का हमें सहयोग नहीं मिलेगा, तो हम किसी भी गतिविधि को कार्य रूप देने में हो सकता है कुशलता पूर्वक उसको ग्रहण ना कर पाए या हमको विजयश्री ना प्राप्त हो पाए। इसलिए सामाजिक जो संबंध है, जो वहाँ का क्षेत्रीय संबंध है, सामाजिकता है, उसको बनाए रखना भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। यानी कि वहाँ का जो परिवेश है उसके अनुरूप हम अपने आप को धारण कर ले, आधार उसको समझ सकें कि सामाजिक संबंध किस प्रकार से वहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे वैयक्तिक समायोजन में जब कोई भी सैनिक स्वयं को अपने साथियों को समझने के योग्य होगा, तभी वो अपना वैयक्तिक समायोजन कर पाएगा। और कभी कभी तो ऐसा किसी सैनिक का भी उसके संवेग, चाहे वो अधिकारी के प्रति हो चाहे अपने साथी के प्रति हो, तो उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करते हैं। तो उस व्यक्ति में या सेना में वैयक्तिक समायोजन होना आवश्यक है। सैन्य मनोविज्ञान का ये एक गुण है, इसका उपयोग है कि वो व्यक्ति इसके द्वारा
संवेग को कंट्रोल करेगा या अपने अधिकारी से किस तरह से बुद्धिमत्ता पूर्वक वहाँ पर पेश आना है, कहीं पर शिष्टाचार अनुशासन का कहाँ कहाँ पे कैसे पालन करना है। अनुशासन रहित सेना जानवरों के झुंड के बराबर होती है, तो हमें अनुशासन को नहीं तोड़ना, यानी कि वैयक्तिक जो समायोजन है उसमें सैन्य मनोविज्ञान का अत्यंत उपयोग है। दूसरी चीज आती है चुनाव। मान लिया किसी अधिकारी को अपने सैनिकों में से कार्य किसी विशेष कार्य को का संपादित करने के लिए चुनाव करना है, तो वहाँ पर यदि मनोविज्ञान का सहारा लिया जाए तो उस अधिकारी के लिए चयन करने के लिए उस उन व्यक्तियों में से योग्य व्यक्ति का चयन करने में कोई असुविधा नहीं प्राप्त होगी। तीसरी चीज़ आती है प्रशिक्षण। तो भर्ती होने के बाद सेना में सैनिकों को और अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा तक जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके द्वारा उनको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा या लेते ही हैं। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण इसके द्वारा सैन्य में मनोविज्ञान के द्वारा इसका उपयोग और भी अच्छे से किया जा सकता है। चौथी चीज़ आती है निष्पादन की। कोई भी कार्य कोई भी सैनिक को दिया जाए उसको एक सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए, यानी कि उसे कार्य रूप देना, सफल कार्य रूप देना। जैसे किसी एक बम बरसक की जगह पे उस व्यक्ति को जाना है तो उसका मनोविज्ञान, उसका शारीरिक मनोविज्ञान बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए कि वो अपने कार्य के निष्पादन में सफलतापूर्वक वहाँ से कुशल होकर आए, वहाँ सफल होकर के आए। इसलिए विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों की सेना में आवश्यकता पड़ती है, और इस विभिन्न आवश्यकता वालों में विभिन्न कुशलता वालों में इसका निष्पादन विशेष व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। और अवलोकन में भी बात आ जाती है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, जहाँ पर हैं, उसका जो अवलोकन करें और उस स्थिति का अवलोकन करें कि उन स्थितियों में कैसी परिस्थिति का समावेश किया जाए कि हम सफलतापूर्वक कम जनहानि धनहानि के द्वारा उस चीज़ को प्राप्त कर सके, अब विजय श्री को प्राप्त कर ले। और किस प्रकार मत और प्रचार का निर्धारण करना है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक विधि है वो, जिसका समूहों के द्वारा पता लगा करके किसी विभिन्न गुटों के द्वारा उसको बांट दिया जाए और गुटों के द्वारा उनको सोचा जाए, समझा जाए कि किन प्रचार के द्वारा सेना के या शत्रु के या विपक्ष के व्यक्तियों का मनोबल धीमा किया जा सकता है या मनोबल तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से वहाँ पर उसके मनोबल को तोड़ने के लिए भी मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। सामाजिक संबंध की जो बात आती है उसमें नेतृत्व है, अफवाह है, आतंकवाद है, इस तरह से तमाम सारे चीज़ें हैं। तो हम अगर सफल नेतृत्व के द्वारा और व्यक्ति में कभी कभी अफवाह फैला दी जाती है और उस अफवाह के द्वारा, यानी कि वहाँ की जनता कैसा महसूस कर रही है, उसमें कैसा अफवाह फैला दिया जाए कि वो अपने ही देश के लिए या अपने ही सेना के प्रति भयभीत हो जाए कि हमें इसमें कहीं भी सफलता मिलती नहीं दिख रही है, और वो कहीं ना कहीं उसका मनोबल खराब हो जाए, मनोबल धीमा हो जाए या उसका हतोत्साहित हो जाए वो सेना, तो इस प्रकार से उसे हतोत्साहित करने के लिए भी सेना में मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो सामाजिक संबंध, यदि हमें समाज में जा करके उसके मनोबल को, सैनिक के मनो शत्रु सैनिक के मनोबल को कमज़ोर करना है तो उसमें हमें सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छे होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सैन्य मनोविज्ञान क्या है, सो इसका अर्थ क्या है और इसकी महत्व क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।